पागल बना गया वो मोहब्बत के नाम पर, नखरे बहुत उठाए थे जिस हुस्न यार के, कि आते आते मेरा नाम सा रह गया, उसके होठों पे कुछ कांपता रह गया, और झूठ वाले कहीं से कहीं पड़ गए, एक मैं था कि सच बोलता रह गया। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भाई आनंद पाठक जी का। शुरू करता हूँ, मातृशक्ति बैठी है, गोपाल सुनो। चार मिसरे देखे माँ के हवाले से, कि क्या बयां माँ को करूं, आंख ये नम है मेरी, क्या बयां माँ को करूं, आंख ये नम है मेरी, क्या बयां माँ को करूं, आंख ये नम है मेरी, माँ खुदा से न किसी हाल में कम है मेरी, माँ खुदा से न किसी हाल में कम है मेरी, और होंगे वो जिन्हें माँ से है बढ़कर दौलत, और होंगे वो जिन्हें माँ से है बढ़कर दौलत, वास्ते मेरे मेरी माँ ही रकम है मेरी, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, मेरे मेरी माँ ही रकम है मेरी। थोड़ी देर पहले एक टिप्पणी हुई कि सड़क नहीं दिखी, भाई उमेश भैया ने टिप्पणी करी, मैं वहां से शुरू करता हूँ। स्वागत। कि चलना बड़ा कठिन है, मैं ठाव मांगता हूँ, ठाह मांगता हूँ, चलना बड़ा कठिन है, मैं ठाव मांगता हूँ, उजड़े हुए शजर से छाव मांगता हूँ, मैं छाव मांगता, क्या कहने हैं, उजड़े हुए शजर से मैं छाव मांगता हूँ, गलियां वो धूल वाली मुझको बुला रही है, रख लो शहर ये सारे, मैं गांव मांगता हूँ, क्या कहने, रख लो शहर ये सारे, मैं आप लोग अच्छा लग रहा है तो जिंदा हो उसका सबूत दो भाई, वरना शमशान घाट में मृत्यु प्रमाण पत्र भी बन जाता है। सुने आपकी तरफ, जरा सी बात क्या बिगड़ी, सलीका ही बदल डाला, वाह, जरा सी बात क्या बिगड़ी, सलीका ही बदल डाला, फकत पाजेब की खातिर ये सीका ही बदल डाला, क्या कहने हैं, फकत पाजेब की खातिर ये सीका ही बदल डाला, लड़को तुम्हारे लिए, किसी से प्यार करती है किसी की है वो बाहों में, अमा उसने मोहब्बत का तरीका ही बदल डाला, अमा उसने मोहब्बत का। चार मिसरे और सुने फिर गजल से जोड़ता हूँ। कहा है कि कहानी, आप सुनिएगा बंदना जी, कहानी बेवफाई की कभी पूरी न लिखेंगे, कहानी बेवफाई की कभी पूरी न लिखेंगे, कभी थी वो यहाँ अपनी उसे दूजी न लिखेंगे, कभी थी वो यहाँ अपनी उसे दूजी न लिखेंगे, भले
चेहरे पे लाखों सल बटे उसके पड़े यारों, भले चेहरे पे लाखों सिल बटे उसके पड़े यारों, कसम है गीत गजलों में उसे उसे भूली न लिखेंगे। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। गीत गजलों में उसे बूढ़ी न लिखेंगे। सुने आप लोगों को मजा आ रहा है तो एक और सुनाऊं। कॉलेज कौन कौन गया है आप लोगों में, सुने कि चढ़ा कर नाक पर चश्मा मुझे आंखें दिखाती थी, चढ़ा कर नाक पर चश्मा मुझे आंखें दिखाती थी, मुझे आंखें दिखाती थी, मेरी सिगरेट की आदत को बुरी आदत बताती। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। मेरी सिगरेट की आदत को बुरी आदत बताती थी, मुझे लहड़पना उसका अभी तक याद आता है, मेरे कॉलेज की वो लड़की मुझे पागल बना, कॉलेज की वो लड़की। काम ठीक चल रहा है, बढ़िया। ये भी पढ़ सकता हूँ कि माशूक मनाने में जरा देर लगेगी, ये दाल गलाने में जरा देर लगेगी, तुम जो चाहोगे वो सुना दूंगा। वाह, सुने जी स्वागत है। कि मुझको सिला मिला है ये बदले में प्यार के, वो खुश बहुत हुआ है मेरा सर उतार के। क्या कहने हैं। वो खुश बहुत हुआ है मेरा सर उतार के। एक शब्द है इसमें आबशार, जिसका अर्थ है झरना। के पानी समझ रहे हो जिसे आप दोस्तों, पानी समझ रहे हो जिसे आप, पानी समझ रहे हो जिसे आप दोस्तों, आंसू निकल रहे हैं किसी आबशार के, आंसू निकल रहे हैं किसी आबशार के। शेर देखें, क्या अच्छा कवाफी है। के मंजिल तो अपनी मौत है उस पर हंसी सितम, मंजिल तो अपनी मौत है उस पर हंसी सितम, दो दिन मिले हैं जीने को वो भी उधार के, मिले हैं जीने को। बहुत अच्छा शेर है भाई, वाह वाह वाह। उधार के गमगुसार होता है जो हमारे गम में हमारा साथ दे, जब गम उन्हें मिले तो मैं हंसता हुआ मिलूं, जब गम उसे मिले तो मैं हंसता हुआ मिलूं, कर्जे उतारने हैं मुझे गम गुसार के, कर्जे उतारने हैं मुझे गम गुसार के। लड़को सुनो, कि पागल बना गया वो मोहब्बत के नाम पर, सबका कटा है एक लाइन से, कि पागल बना गया वो मोहब्बत के नाम पर, नखरे बहुत उठाए थे जिस हुस्न यार के, नखरे बहुत उठाए थे जिस उसने यार के। मक्ते का शेर, फिर एक गीत पढ़ के जगह ले लूंगा। के पाठक उन्हें ये कहना है अब हो गया बहुत, पाठक उन्हें ये कहना है अब हो गया बहुत, हमने बुझा दिए हैं दिए इंतजार के, हमने बुझा दिए दिए इंतजार के। एक गीत हुआ है, पढ़ दो।
एक आप चूंकि वरिष्ठ लोग हैं, आप जानते हैं महाभारत के प्रसंग में जब कन्हैया अपना विराट स्वरूप दिखा के निकलते हैं और वहां से कर्ण को अपने साथ लेते हैं और कर्ण को बताते हैं कि आप कुंती के बेटे हो, आप सूत पुत्र नहीं हो, चाहते हैं कि कर्ण जो है यहीं रह जाए, लेकिन कर्ण की एक निर्णय है कर्ण का, वो क्या कह रहा है सुने के बरसों से, सबने गीत पढ़ा तो मैं भी पढ़ूंगा आज, के बरसों से जब थी चुप दुनिया तब राज न क्यों ये बतलाया, बरसों से जब थी चुप दुनिया तब राज न क्यों ये बतलाया, हे मुरली वाले नाथ कहो कैसी अद्भुत है ये माया, बरसों से जब थी चुप दुनिया तब राज न क्यों ये बतलाया, हे मुरली वाले नाथ कहो कैसी अद्भुत है ये माया, एक ओर खड़े भ्राता मेरे पांडव, एक ओर खड़ा है मित्र मेरा दुर्योधन, एक ओर खड़े भ्राता मेरे, एक ओर खड़ा है मित्र मेरा, सुध बुध जैसे खोई तन ने है मन भी आज विचित्र मेरा, एक ओर खड़े भ्राता मेरे, एक ओर खड़ा है मित्र मेरा, सुध बुध जैसे खोई तन ने है मन भी आज विचित्र मेरा, गर अर्जुन का मैं वध कर दूं तो फिर पीछे पछताऊंगा, पर मित्र तजू तो हे मोहन खुद नजरों से गिर जाऊं, गर अर्जुन का मैं वध कर दूं तो फिर पीछे पछताऊंगा, पर मित्र तजू तो हे मोहन खुद नजरों से गिर जाऊंगा, सो कर्ण का यह निर्णय सुन लो, अब निर्णय सुना रहा है, सो कर्ण का यह निर्णय सुन लो, पग पीछे नहीं हटाएगा, है साथ सुयोधन के राधे जो होगा देखा जाएगा, क्या कहने, साथ सुयोधन के राधे जो होगा देखा जाएगा, देखा जाएगा। अब प्रश्न पूछ रहा है कि हे माधव मेरे मधुसूदन इतना तो मुझको समझा दो, है जाति यहाँ क्या वीरों की यह, क्योंकि उसको क्षत्रिय ना मानते उसको सम्मान नहीं मिला, है जाति यहाँ क्या वीरों की यह बात मुझे तुम बतला दो, भुज बल का कोई मान न था दिखती थी सबको जात बड़ी, जब जाति गई पूछी मुझसे निर्लज सभा थी मौन खड़ी, सबके सब थे एक पंक्ति में क्या भीष्म पितामह क्या माता, देता न सुयोधन साथ अगर वीरोचित मान न मिल पाता, देता न सुयोधन साथ अगर वीरोचित मान न मिल पाता, बेशक है अंत पता रण का, उसे मालूम है कन्हैया उधर है, बेशक है अंत पता रण का पर मस्तक नहीं झुकाएगा, है साथ सुयोधन के राधे जो होगा देखा जाएगा, है साथ सुयोधन के राधे जो होगा देखा जाएगा। विडंबना सुनिए कि बचपन से ही छलती आई किस्मत मुझको बारी बारी, जो बाजी लगता जीत चुका हर बार वही बाजी हारी, बचपन से ही छलती आई किस्मत मुझको बारी बारी, जो बाजी लगता जीत चुका हर बार वही बाजी हारी, जब जन्म हुआ मेरा जग में ममता की तब ना छाँव मिली, गुरुवर का शाप मिला मुझको किस्मत ने ऐसी चाल चली, ले देकर एक किया था प्रण अर्जुन का शीश उतारूंगा, पर वो भी निकला भ्रात्र मेरा अब कैसे उसको मारूं, ले देकर एक किया था प्रण अर्जुन का शीश उतारूंगा, पर वो भी निकला भ्रात्र मेरा अब कैसे उसको मारूंगा, इतने पर भी है कर्ण अटल, इतने पर भी है कर्ण अटल, वो अपना फर्ज निभाएगा,
है साथ सुयोधन के राधे, जो होगा देखा जाएगा। अंतिम बंद ऐसी चेतावनी भुवन मोहन कन्हैया को किसी ने नहीं दी, ऐसी जीत हवाले कर रहा है, जीत का मंत्र दे रहा है और चेतावनी भी दे रहा है। किसको? स्वयं भगवान को। कह रहा है कि एक ही पाप हुआ था, उसने द्रौपदी को वैश्या कह दिया था कि किंचित कुछ पाप किए होंगे सो मूल मुझे भरना होगा, पांडव की जीत सुनिश्चित हो सो कर्ण को ही मरना होगा, पांडव की जीत सुनिश्चित हो सो कर्ण को ही मरना होगा। चेतावनी सुनिए, कन्हैया से कह रहा है कि मेरे जीते परछाई भी ना मित्र की यूं मिल पाएगी, उस ओर उठेगी जो शक्ति पहले मुझसे टकराएगी, बस एक वचन दे दो कान्हा फिर बेशक आप चले जाना, है कर्ण उन्हीं का ज्येष्ठ भ्रात्र यह बात न उनको बतलाना, यदि वे सब भी ये जान गए, यदि वे सब भी ये जान गए फिर शस्त्र न कोई उठाएगा, है साथ सुयोधन तेरा दे। बोल कन्हैया लाल की।